Street food. When in Bengaluru, Vivipuram is a must visit because this is the only food street serving everything vegetarian. The food options here are varied, unique, reasonable and super delicious, along with some super energetic and foodie crowd. Hello food fam and welcome to my world of sinful eating. So aap mere piche dekh sakte, it's a huge hustling bustling area with a lot of people. Mere ko ye street food area kam और मेला ज्यादा लग रहा है, सो आई थिंक वी शुड जस्ट हेड टुवर्ड्स इन एंड सी व्हाट इज देयर टू ईट. कम लेट्स गो. ओके, दिस इज ह्यूज. लाइक यहाँ पर बहुत कुछ है खाने के लिए. स्वीट कॉर्न, सोडा सिकंजी, ये पापड़ वाला, ये वाला एक चिप्स बहुत खाता है सर. पानी पुचका, डिफरेंट पानी पुचका, चाइनीज स्क्वायर, वाओ, स्वीट पोटैटो चिप्स. या 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 दीजिए ना वन. कितना? नहीं नहीं खाएगा पूरा. कितना कितना प्राइस? आप देख सकते हैं सच अ हेल्दी वर्जन ऑन द स्ट्रीट. फ्राइड है क्या? ओ हाँ, अरे बाप रे बाप, वो रहा काट के रखा हुआ है स्वीट पोटैटो. हाँ बट हम लोगों के वहाँ ऐसा छोटा छोटा होता है. वेल, विवेपुरम स्ट्रीट में तो मेरा नॉलेज अब थोड़ा डगमगा गया, बट अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो थोड़ी करेक्ट इन्फॉर्मेशन एड कर देती हूँ. सो बेसिकली ये आलू नहीं, ये टैपियोका है, जिसको ना ही हम फ्रूट या वेजिटेबल बोलेंगे. इट इज बेसिकली अ स्टार्ची सब्सटेंस जो डिराइव होता है कसावा प्लांट के रूट से. सो इसका कोई हेल्थ बेनिफिट भी एज सच है नहीं, बट डेफिनेटली खाने में बहुत टेस्टी थे. बट चलो अच्छा है, इस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के चक्कर में मुझे एक एडिशनल चीज पता चली. हमेशा हैव यूज्ड दिस वर्ड टैपियोका फ्लावर, बट आज पता चला उसका ओरिजिन कहाँ से है. मैंने पूरा स्ट्रीट देख लिया है, क्या क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. सो आई एम गोइंग टू ईट ओनली द आइटम्स जो हमारे वहाँ नहीं मिलता है या स्ट्रीट पे मैंने नहीं खाया है कभी भी. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्हिच आई एम ईटिंग इज चिप्स. आप देख सकते हैं नंगे तुम्बा इस्ते आई टू. इसके ऊपर जो ना इन्होंने एक स्पाइसी टैंगी मसाला स्प्रिंकल किया हुआ है. नाउ दैट मसाला इज नॉट पेरी पेरी मसाला, दैट्स आई थिंक रेड चिली पाउडर सम काइंड ऑफ मसाला. चिप्स इज लाइक वेरी लाइक नॉर्मली जो आलू का चिप्स होता है वो वेफरी होता है. ये थोड़ा सा यू नो थिक एंड सुपर क्रंची. Now when it comes to Bengaluru, a lot of people have said me on Google में, blogs में मैंने देखा है कि यहाँ पे गोभी मंचूरियन बहुत बहुत फेमस है. यहाँ पर लोग गोभी मंचूरियन बहुत प्यार से खा रहे हैं. And this is also one of the different delicacy which people are selling on the streets. I'm gonna taste गोभी मंचूरियन. Honestly, far more better than the non-veg Manchurian. And एक बात बोलूँ, ये पूरी lane जो है ना, it's a vegetarian food street lane. Also because यहाँ पर शायद मंदिर है, उसी की वजह से ये vegetarian lane है. But vegetarian में भी काफ़ी option है, like good. Let's try with the chips. इतना खाने के बाद ऑरेंज सोडा पीना बनता है. यहाँ पर सोडाज में भी काफ़ी फ्लेवर है. वरुण ने तो लिया है फ्रेश लाइम, मैंने सोचा ऑरेंज लेती हूँ. इनका बनाने का प्रेपरेशन बहुत अलग था और सोडा बाद में ऐड किया हुआ है, बट उन्होंने फ्लेवर्स वगैरह पहले ही डाल दिए थे. Let's try. Orange ORS की तरह टेस्ट कर रहा है. Orange ORS हेल्दी, या कोई मेरा लैंग्वेज समझेगा नहीं, सो इट्स बेटर अपने अंदर ही रखती हूँ. इट्स टेस्टिंग बेटर वर्जन, लाइक ऑरेंज ORS को किसी ने सोडा में मिला दिया, सो इट्स टेस्टिंग गुड. आई थिंक इट्स हेल्दी टू. लेट्स गो एंड डिग इन. यहाँ पर गोभी मंचूरियन खाया था, वहाँ पर हमने पोटैटो चिप्स खाए थे, सोडा पिया था. अब यहाँ पर हम खा रहे कबाब. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके पास वेज कबाब्स है, विच इज लाइक पनीर टिक्का, पूरा पाइनएप्पल, और ये बन रहा है हमारा मशरूम. ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बेंगलुरु आई एम ईटिंग मशरूम टिक्का. ये इसके साथ हरी चटनी और मेयोनीज दिया है. काफी ब्यूटीफुल लग रहा है ये, लाइक बटन मशरूम. लेट्स ट्राई. दिस इज पुदीना चटनी.
दिस ग्रीन चटनी, इस पुदीना चटनी, और ये जो मशरूम का जो मैरिनेशन है ना, इट्स वेरी स्पाइसी, बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है. एंड मशरूम्स आर वेरी वेरी वेलवेटी एंड सॉफ्ट इन टेस्ट. ना बेंगलुरु के वेदर के बारे में तो आपको पता ही है, सुबह जितनी गर्मी रहती है शाम के टाइम पे ये उतना ही ब्रीजी एंड चिलिंग होता है. इसीलिए आई थिंक लोग इतने पार्टी वाली मूड में रहते हैं, सुबह के धूप धाप से काम धाम से इतने थक थका के शाम का जब वेदर इतना अच्छा होता तो चल पड़ते हैं अन खाने के लिए, पार्टी करने के लिए. सो वी आर ड्रिंकिंग बादाम मिल्क. आप देख सकते हैं दिस इज सो गुड वार्म. ऊपर काफ़ी अच्छे से बादाम स्प्रिंकल किया हुआ है, मलाई भी दिया हुआ है बादाम दूध का. नाउ लेट्स सिप. फर्स्ट सिप में पूरा क्रंच ऑफ बादाम, यू नो, हर सिप में आ रहा है वो बादाम का क्रंच, वेरी नाइस. कितने अरसों बाद में दूध पी रही हूँ यार. देख के भैया जिस तरह से बना रहे थे वो देख के इतना एपेटाइजिंग और टेम्पटिंग लगा दैट आई कुड रेजिस्ट ड्रिंकिंग इट. मस्ट ड्रिंक, मस्ट ड्रिंक. ये आ गया मेरे पास थट्टे इडली. आप लोगों में से बहुत जनों ने मुझे बोला था टू ट्राई थट्टे इडली. नॉर्मली इडली हमने खाया है बट आप देख सकते हैं इडली काफ़ी पतली, सॉफ्ट, वेरी वेरी फ्रजाइल एंड काफ़ी बड़ी है. इसके साथ एक लाल चटनी और एक आपका कोकोनट चटनी है. सो इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग. तो वैसे तो इडली खाने का इसका सही तरीका इज विथ हैंड्स. आप देख सकते हैं ये हाथों में कितनी सॉफ्ट है. दिस इज सो फ्रेजाइल, कमिंग आउट सो ब्यूटिफुली. धुआं भी निकल रहा है, बहुत गर्म है. लेट्स डिप इट विथ द लाल चटनी. ओ वाह, इट्स मेल्टिंग. दिस कोकोनट चटनी हैज अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर. वाओ. एंड ये जो इडली है ना, इट्स लाइक ये ना एकदम राइस बॉल की तरह, राइस बॉल की तरह बन जा रहा है. दिस कोकोनट चटनी हैज पुदीना इन इट. इसके अंदर पुदीना दिया हुआ है इसलिए इसका फ्लेवर्स एंड टेस्ट बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है. स्पाइसी ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रीन चिलीज. ओ वाओ. एंड देयर इज अ टेस्ट ऑफ रेड चिली एंड टोमेटो फ्लेवर इन टू दिस. ओह दिस इज गोइंग सो वेल टुगेदर. यहाँ पर सब इडली हाथों से खा रहे हैं इसलिए मैं भी हाथों से खा रही हूँ. अदरवाइज अगर आप चाहो तो स्पून हो दे देंगे भैया, आप स्पून से भी खा सकते हो. दिस वॉज अ मैसिव क्रेजी स्ट्रीट फूड लेन इन बेंगलुरु. डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, क्योंकि सिटी एकदम अलग, यहाँ का लाइफ एकदम अलग. सो यार बट दिस वॉज ऑल टुगेदर एन ओवरऑल अ वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस. आई हैड अ लवली फूड विच आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन जैसे कि हमेशा कहते हो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड सी यू इन द नेक्स्ट टाइम. टिल देन हैप्पी ईटिंग्स. बाय बाय. सो प्रियंका जी का पूरा शूट कंप्लीट हो गया. हम लोग का जितना आज का शेड्यूल था सब कुछ कर लिए. अभी रात का 10:30 बज रहा, तो सोचा थोड़ा चलो बैंगलोर एक्सप्लोर कर ले. सो हम लोग अभी एमजी रोड आए हैं और एमजी रोड यहाँ का सबसे पॉश एरिया है, वन ऑफ द पॉश. हाँ, इंदिरा नगर भी पॉश था. तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारा क्लब वगैरह भी है और बहुत सारा स्टोर भी है. तो आप लोग एक बार ग्लिम्स दिखा देता हूँ. स्टोर का भी सारा बंद हो चुका है. नाइक का कितना बड़ा स्टोर सब सेकंड फ्लोर तक का है और बहुत सारा आपको यहाँ पे क्लब वगैरह सब दिखेगा. ओ नाम चल. हाँ हाँ, तो यहाँ पे काफी सारा क्लब वगैरह बहुत कुछ है. रात को भी फैशन स्ट्रीट खुले. कैसा लगा सबको नाइट लाइफ?
थोड़ा सा डिफरेंस क्या है।